मतलब किस तरीके का? मतलब आप रोज या वो करते हैं ना पूरी देख रेख, तो उसमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, बहुत सारी ऐसे समझ लीजिए जैसे बच्चों को परवरिश करी जाती है, इनकी परवरिश करी जाती है, टाइम से खाना पीना सब कुछ। तो मतलब खाने पीने में मतलब खाद और वगैरह किस हिसाब से पड़ती है वो जरा? खाद पड़ती है, कभी कभी पड़ती है इसमें खाद। कौन सी खाद डालते हैं आप? इसकी खाद अलग आती है। अलग? अच्छा खाद हमारा जो वो है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हाँ। वो सारा परचेज करता है। नहीं खाद जो है ये गर्मियों में तो पड़ती नहीं शायद, सुना हमने ऐसा है ना? नहीं नहीं गर्मियों में नहीं पड़ती है, क्योंकि वो गर्म होती है ना, पौधा सुखा देगा वो। ये या तो बारिश आने से पहले, ये मौसम सबसे अच्छा। अच्छा निराई निराई जो होती है ना, घास वास हटाना, ये भी शायद 2-3 दिन पे करना पड़ता होगा? 2-3 दिन तो नहीं, हाँ 10-15 दिन तो करना पड़ता है। अगर निराई नहीं करेंगे तो फिर पौधा इफेक्ट हो जाएगा ना, इनको हवा पानी नहीं मिलेगा ना, फिर वो घास ही खा जाएगी सब। हाँ, हाँ। और क्या, एक तरीके से कीड़ा है पौधे के लिए घास। अब आपको अगर एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए कैसे जिएंगे आप? फिर क्या नमाज़े जनाजा होगी और क्या? बाकी जगह बंद तो कर दिया था। अरे बाप रे बाप, लॉकडाउन से पहले भी तो एक लॉकडाउन था इतना, यहाँ तो फिर भी सही था। हाँ मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ, जैसे अब पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, उसको पानी भी ना नसीब हो, खाना भी ना नसीब हो, तो जितनी कैपेसिटी उसकी होगी, उसके अंदर जो पावर जितनी बची होगी वहाँ तक सीमित रहेगा, किसी की एक हफ्ते की हुई, 4 दिन की हुई, 6 दिन हाँ, जितना हो ताकत हो बस। लेकिन पानी का क्या रहता है, जाड़ों में तो कम लगाना रहता होगा? नहीं नहीं पानी तो चाहिए रहता है, लेकिन ये जब गर्मी में जल्दी कर लेता है। क्या क्या गर्मी में ज्यादा देना पड़ जाता है, कम से कम 2 टाइम लगाना पड़ता होगा, 2-1 दिन छोड़ कर। और जाड़ों में? जाड़ों में तो अभी देखिए नमी मिट्टी में, नमी है, बारिश भी है, ओस भी पड़ रही है, कोहरा, इसकी नमी खत्म हो जाती है ना, तभी देंगे कम से कम। अच्छा कोहरे से इफेक्ट के बचने से लिए भी कुछ करते हैं, क्योंकि कोहरा भी नुकसान पड़ता होगा ना? हाँ तो पाला मार देता है ना, उसके लिए दवा डालते हैं ना, यूरिया। अच्छा वो पाला के इफेक्ट से बचने के लिए यूरिया डाली जाती है, अगर वो ना पड़े तो फिर ये कमजोर हो जाएगा, सब उससे जल्दी ठंड से ना सब मर जाएगा, मतलब मुरझा जाएगा, ताजगी खत्म हो जाए। इसकी पत्तियां इतनी जल्दी क्यों गिर रही हैं? देख इसकी, ये गुलाब की अभी उन्होंने छील लिया, गिर गई, वो काफी दिन हो गया ना, वो खत्म है अभी, ये पानी गिरने के बाद जो है ना, फूल का भी तो इसको ज्यादा नहीं चाहिए होता अंकल, फूल का भी तो एक ड्यूरेशन होगा ना कि इतने दिन तक खिलेगा, है ना? वो खत्म हो रहा है। अब जैसे देखिए ये वाला है, ये एकदम ताजा लग रहा है, और वो मुरझा गया तो ये पुराना खिला होगा। भाई एक वहाँ पे फेयर लगता था जामनी का, वो नहीं लग रहा इस बार? अब तो छोड़, 3 साल से खत्म कर दिया। क्यों? फंड नहीं आ रहा होगा शायद, गवर्नमेंट की बात है जी, जो भी कुछ है ना, जो वीसी आएगा अपना रूल बनाएगा, पहले 5-5 दिन प्रोग्राम होते थे, अब 3 दिन में क्लियर कर देते हैं। जो यूनिवर्सिटी मुशीरुल हसन साहब के टाइम में, मुशीरुल हसन वीसी रहे हैं यहाँ के, प्रोफेसर थे यहाँ पे, सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने 30-35 साल जो है यहाँ पे गुजारे हैं। और क्या, जामिया को भी तो डेवलप होने में टाइम लगा है, बहुत तो आसान थोड़ी है। जितनी भी है ना ये ज्यादातर ये सब उन्हीं की देन है, उनका पैसा अभी तक चला लाया हुआ। अब तो पैसे की कमी हो गई है हर जगह, पैसा आ ही नहीं रहा सरकार की तरफ से। एक और गुलाब होता है, उसकी पत्तियां ऐसे नहीं झड़ती हैं, जो सॉलिड सा होता है थोड़ा दिखता है, वो क्या, वो अलग, मुझे लग रहा है गुलाब की भी कई कैटेगरी होती है, बहुत वैरायटी होती है, इंग्लिश भी गुलाब कहलाता है, बहुत गुलाब बहुत है। ये जल्दी वो गिरने वाला, वो मतलब मुझे लगता है इसकी पत्तियां थोड़ी कम मशहूर, इससे ज्यादा और भी जो होता है वो एक देसी गुलाब होता है, हाँ। वो इतना ज्यादा सुरख नहीं आता है, लाइट होता है, लाइट लाइट है, रेड रोज नहीं वो होता है, मतलब वो जो है ना वो इससे भी ज्यादा होता है, असली गुलाब वही होता है जो खाने में। तो आप लोग नई प्लांटिंग नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे जो लगा, वो प्लांटिंग होती है कि वो नर्सरियां बनी हुई हैं,
यार तो उधर रामानुज की तरफ तो बंद कर दिया ना शायद। अब पैसा नहीं है तो उस हिसाब से फिर उतना वो आ नहीं रहा है। पहले तो गमले लग जाते थे। फिर भी जामिया ग्रीन है मतलब भर का।